नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। चलिए बढ़ते हैं किसी बड़ी खबर की ओर। सातवीं क्लास के छात्र ने लगा ली फांसी, माता पिता दिल्ली गए हैं कमाने खाने, पुलिस जुटी जांच में। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में सातवीं क्लास के छात्र ने अपने घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा के आत्महत्या का कारण अज्ञात है, पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रोगदा गाँव की रहने वाली भुवनेश्वर कश्यप की 12 साल की बेटी आरती कश्यप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरती शासकीय मिडिल स्कूल में कक्षा 7वीं की छात्रा थी। आरती अपने गांव में दादी रामेश्वरी कश्यप और बहन पूजा कश्यप के साथ रहती थी। उसके माता पिता भुवनेश्वर कश्यप और सविता कश्यप दोनों कमाने खाने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। महज 12 साल की उम्र में आरती ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, यह अभी जाँच का विषय है। खबर लिखे जाने तक पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुँची थी। पुलिस के पहुंचने के पश्चात परिजनों और आरती के सहपाठियों से पूछताछ से उसके आत्महत्या के कारणों पर से पर्दा उठने की संभावना है। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राजभट्ट से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। मैं ग्राम पंचायत सरपंच पति कुनी लसवा हूँ। मुझे पता चला कि 6 बजे शाम की फांसी लटक गए है। मैं देखने आया तो पता चला कि पंखा में लटका था लड़की, वो 7वीं क्लास में पढ़ती थी, भुवनेश्वर प्रसाद कश्यप। लोग बाहर गए हैं कमाने खाने, दोनों बहनी रहती है घर में। और कौन रहता था सामने? उसका दादा दादी, तो वो भी जानकारी था। 5 बजे आकर देखा ना बाजार से, तो पता चला कमरा में लटका था पंखा में। पुलिस वाला क्या कर रहा है? थाना से जांच कर रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।